Hello friends, good morning. Welcome to Selection Mentor. I hope you are doing well. I am Garima. आज से ही सुबह 6 बजे से मैं एक नया कोर्स लेके आ रही हूँ सिलेक्शन मेंटर पे, जिसके अंदर हम एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे. और ये एडिटोरियल डिस्कशन स्पेशली IBPS क्लर्क के लिए है, जो कि हेल्प करेगा आपकी इंग्लिश के लेवल में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. इस एडिटोरियल डिस्कशन में हम एक एडिटोरियल के अंदर जितनी भी वो कैब्स आती हैं, idiom phrases आ रहे हैं, ग्रामर के जितने भी रूल आ रहे हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे. और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप रेगुलर इस डिस्कशन को देख रहे हो तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और क्लर्क के एग्ज़ाम को निकालने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको. तो शुरू करते हैं. सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कैन वेट. अगर हम कोई भी एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी पैसेज अगर पढ़ रहे हैं, तो उस पैसेज को पढ़ने से पहले अगर हम उसका ओवरव्यू ले लें तो ये हमारे लिए अच्छा होता है. क्योंकि अगर हम उसको पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो थिंग्स होती हैं वो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं, और जब हम उसके बाद उस पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमें ईजिली समझ में आने लगता है. तो सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे इसका. इस एडिटोरियल के अंदर राइटर बता रहा है कि किस तरह से जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम अपने डेली रूटीन में, वो एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और उसका बैन अगर हम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट अगर उसका बैन लगा रही है, तो उसको उसका बैन लगाने से पहले गवर्नमेंट को क्या क्या प्रेपरेशंस करनी चाहिए, क्या क्या उनको स्टेप्स उठाने चाहिए कि हम लोग नॉर्मल जो पीपल्स हैं वो उस बैन को अप्रूव करें. शुरू करते हैं. सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कैन वेट. वही बता रहा है राइटर यहाँ पे कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको हम एक बार यूज़ करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो उसका जो बैन है कैन वेट, वो वेट कर सकता है. अब वेट क्यों कर सकता है? द कॉज फॉर अ सिस्टेमेटिक प्लान. उसका जो कारण है वो एक सिस्टेमेटिक, एक सही ढंग का प्लान है. ये इस एडिटोरियल की जो मेन वोकैब हैं वो हैं, इनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एडिटोरियल डिस्कस करते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2018 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्लेज. जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जो 2018 की जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्लेज थी, प्लेज मींस होता है कोई प्रॉमिस करना, गारंटी देना. तो उनके जो 2018 की जो एनवायरनमेंट डे में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, अब यहाँ पे एक सीखने वाला रूल है कि मोदी के बाद अपोस्ट्रोफी आया है, और अपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन आता है. अपोस्ट्रोफी पोसेशन को शो करता है, और पोसेशन हमेशा नाउन पे दिखाई जा सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पोसेशन दिखा सकते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो 2018 की जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो प्लेज थी, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था टू रीड इंडिया ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, कि वो रीड मीन्स होता है फ्री करेंगे, रिलीव करेंगे, या फिर अनबर्डन, कि वो रिलीव करवाएंगे इंडिया को सिंगल यूज प्लास्टिक से, वॉज अ बोल्ड मूव. ये एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव था. बोल्ड मीन बहुत अच्छा मूव था. अब यहाँ पे वॉज क्यों यूज हुआ है? बिकॉज ये 2018 की बात हो रही है, जो कि पास्ट था, इसीलिए यहाँ पे राइटर ने वॉज यूज किया है. इंडिया सब्सिक्वेंटली पुश्ड फॉर अ ग्लोबल रिजोल्यूशन. सब्सिक्वेंटली मीन्स होता है किसी चीज के होने के बाद कुछ होना, मीन्स हैपनिंग और कमिंग आफ्टर समथिंग. तो इंडिया जो काम कर रहा है वो कई कंट्रीज़ ने कर लिया है, यानी कि प्लास्टिक को बैन कई कंट्रीज़ ने कर लिया, उसके बाद इंडिया काम करने लगा, इसीलिए इंडिया सब्सिक्वेंटली लगाया है कि एक के बाद एक. इंडिया पुश सब्सिक्वेंटली पुश फॉर अ ग्लोबल रेजोल्यूशन. इंडिया ने सब्सिक्वेंटली पुश किया है, खुद को आगे धकेला है फॉर अ ग्लोबल रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मीन्स होता है किसी चीज़ का सोल्यूशन देना या फिर आंसर देना. तो इंडिया ने खुद को धकेला है एक बहुत बड़े ग्लोबल लेवल के सोल्यूशन की तरफ, अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन टू कमिट ऑल द कंट्री फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2030. पढ़ते हैं शुरू से. इंडिया ने खुद को धकेला है एक बड़े सॉल्यूशन की तरफ, अंडर द एजिस. एजिस मींस होता है द पावर टू प्रोटेक्ट, कंट्रोल और सपोर्ट, कि किसी को सपोर्ट करने की जो पावर है. तो इंडिया ने खुद को धकेला है अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन की एक पावर है जो कंट्रोल करने की, उसके अंदर टू कमिट ऑल द कंट्री. कमिट मीन्स होता है कुछ परफॉर्म करना, कि जो परफॉर्म करें सभी कंट्रीज फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2030, कि हम 2030 तक फेज आउट कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें सिंगल यूज प्लास्टिक का जो
यूज़ कर रहे हैं हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, उसको फेज़ आउट कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें बाय 2030 तक। यहाँ सीखने वाला एक रूल है कि जब भी फ्यूचर का कोई ईयर प्रेडिक्ट किया हो कि हम इस टाइम तक ये कर देंगे, तो वहाँ पे जो प्रिपोजिशन यूज़ होती है वो बाय यूज़ होती है। However, good intentions have a well recognized way. जबकि जो good intentions हैं, जो हमारी अच्छी intentions हैं, जो हम चाहते हैं, have a well recognized way. उनका जो way है वो बहुत अच्छा है। Recognized means एक तो होता है कि किसी चीज़ को कोई ऑनर देना, और एक रिकॉग्नाइज मींस होता है हम पीछे की कोई चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनर देने वाली बात है कि जो अच्छी इंटेंशन है वो एक बहुत अच्छा तरीका है ऑफ एंडिंग अप, किसी चीज़ को एंड करने का। पेविंग द पाथ टू हेल यहाँ पे एक idiom यूज़ हुआ है जिसका मीनिंग होता है कि जितनी इंटेंशंस हम कर रहे हैं उतना हम एक्शन भी परफॉर्म करें, ना कि सिर्फ बोलते ही रहें और काम कोई करें ही ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहा है कि गुड इंटेंशन एक अच्छा वे तो है खुद को रिकॉग्नाइज करने का, लेकिन उस पर एक्शन भी होना चाहिए। सीखने वाला रूल यहाँ पे एक है कि गुड इंटेंशन एक प्लूरल नाउन है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद हैव आया है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और हैव के बाद अ वेल रिकॉग्नाइज वे, ये एक पूरा कंपाउंड नाउन है, और हैव यहाँ पे काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। द रिपोर्टेड एडवाइजरी बाय द सेंटर, द एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो एडवाइजरी शो कर रहा है कि वो एक नाउन है, और एडवाइजरी से पहले जो रिपोर्टेड है वो बता रहा है कि ये एक एडजेक्टिव है। तो द रिपोर्टेड एडवाइजरी, एक जो एडवाइज आई थी बाय द सेंटर, सेंटर की तरफ से टू द स्टेट्स को टू बैन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ आर्टिकल, कि जो स्टेट्स हैं वो बैन लगाएं प्रोडक्शन पे ऑफ सर्टेन कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम्स काइंड, मतलब टाइप ऑफ आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ आर्टिकल बनाए जाते हैं उनके प्रोडक्शन पे बैन लगाएं बिफोर अक्टूबर 2 अक्टूबर से पहले द डेडलाइन सेट बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर सिटीजन, जो कि डेडलाइन सेट की गई थी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। डेडलाइन मीन्स होता है एक लास्ट स्टेज, कि इसके बाद तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो डेडलाइन हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा सेट की गई थी फॉर सिटीजन्स के लिए टू गिव अप सिंगल यूज प्लास्टिक, गिव अप मीन्स छोड़ देना, कि वो छोड़ दें सिंगल यूज प्लास्टिक को, रिप्रेजेंट द रोंग वे टू गो अबाउट द जॉब। अब ये जो थिंग्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं द रोंग वे, गलत तरीका टू गो अबाउट द जॉब। टू गो अबाउट द जॉब एक फ्रेज है कि अगर किसी काम को करने का कोई जो तरीका होता है उसको बोलते हैं टू गो अबाउट अ जॉब। तो ये जो बैन लगाने का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। इट विल मेक अ बैड इकोनॉमिक सिचुएशन, ये जो बैन है वो बना देगा एक बहुत बुरी सिचुएशन इकोनॉमी में, मार्जिनली वर्स एंड जो कि बहुत गंदी होगी, एंड परहैप्स और संभवतः, परहैप्स मीन्स होता है संभवतः, इवन क्रिएट अ ब्लैक मार्केट इन सर्टेन प्लास्टिक आर्टिकल, और क्रिएट कर सकती है ब्लैक मार्केट। जिस तरह से ब्लैक मनी होती है उसी तरह से ब्लैक मार्केट होती है। जब भी हम इलीगली कोई काम करते हैं, इलीगली किसी मार्केट में कुछ बेच रहे हैं, तो उसको यहाँ पे बोला राइटर ने कि प्लास्टिक का अगर इलीगली लेन देन होगा तो वो एक ब्लैक मार्केट क्रिएट होगी। तो ये जो थिंग्स हैं वो ब्लैक मार्केट भी क्रिएट कर सकती हैं। बाय एंड लार्ज मीन्स होता है होल या फिर एवरीथिंग। तो अगर हम एवरीथिंग, सभी चीज़ों को कंसिडर करें, एवरीथिंग कंसिडर्ड, द अल्टरनेटिव मटेरियल, जो अल्टरनेटिव मटेरियल है टू रिप्लेस सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करने का, सब्स्टिट्यूट करने का, आर ईदर, वो या तो नॉट इन प्लेस, प्लेस पे नहीं है, या तो है नहीं, और नॉट अवेलेबल एट स्केल, या फिर एक पे स्केल के अंदर, कि स्केल में यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में दिया है राइटर ने कि या तो वो अवेलेबल नहीं है या फिर उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है, जो कि हमारे, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बता रहा राइटर यहाँ पे। अब यहाँ पे सीखने का एक थिंग है, वो क्या है, एक होता है अल्टरनेटिव और एक होता है अल्टरनेट। अल्टरनेटिव होता है किसी का ऑप्शन होना, चॉइस होना, और दूसरी तरफ जो अल्टरनेट है उसका मतलब होता है अदर देन यूजुअल, यूजुअल से अलग होना। दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को। बाय एंड लार्ज, अगर हम एवरीथिंग कंसिडर करें, सब सारी चीज़ों को ध्यान से देखें, तो जो अल्टरनेटिव मटेरियल है, जो चॉइस है हमारे पास, जो ऑप्शन है टू रिप्लेस सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को सब्स्टिट्यूट करने का, रिप्लेस करने का, आर इधर, वो या तो
प्लेस पे नहीं है, या तो वो है ही नहीं, और या फिर नॉर अवेलेबल एट स्केल, या फिर वो हमारे पे स्केल के अंदर अवेलेबल नहीं हो रहा। इधर के साथ हमेशा और का पेयर होता है और नीदर के साथ हमेशा नोर का पेयर होता है। जस्ट बैनिंग थिंग्स, अगर सिर्फ थिंग्स को हम बैन कर दें विदाउट अ वाइबल अल्टरनेटिव, बिना किसी वाइबल मीन्स एक राइट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन के, विल क्रिएट मेस। ये एक मेस को क्रिएट कर देगा, फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि अगर हम बिना किसी सोचे समझे किसी बैन को इम्प्लीमेंट कर दें तो ये फ्यूचर में एक डिस्टर्बेंस की सिचुएशन ले आएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक रेफर्स टू एंटायर क्लास ऑफ आइटम, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो रेफर करती है। अब जो रेफर कर रही है, ये रेफर तो नॉर्मली सा हैबिट वाली थिंग है कि हम किसी भी चीज को रेफर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे राइटर ने प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाया है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज यूनिवर्सल थिंग्स के लिए होता है, हमारी हैबिट के लिए होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक रेफर करती है टू एंटायर क्लास ऑफ आइटम, उन सभी आइटम को, उन सभी टाइप ऑफ आइटम्स को दैट आर यूज्ड वंस, जिनको हम एक बार यूज करते हैं एंड देन डिस्पोज ऑफ, उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फेंक देते हैं। देन स्पैन, दीज स्पैन अ गैमट ऑफ यूटिलिटी, दीज यहाँ पे लगा रहा है अब इन मटेरियल्स के लिए, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस मटेरियल के लिए, कि स्पैन कवर करती हैं, स्पैन मीन्स होता है कवर करना, तो ये कवर करती हैं अ गैमट ऑफ यूटिलिटी, गैमट मीन्स होता है रेंज, तो एक जो यूटिलिटी की रेंज है उनको कवर करते हैं। एंड देयर एलिमिनेशन कॉल्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बैकअप, और इनका अगर हमें एलिमिनेट करना है, इनको अगर हटाना है, तो कॉल्स फॉर, डिमांड कर रहा है वो अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बैकअप, उसके लिए एक बहुत अच्छे पॉलिसी बैकअप की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हम किसी प्रोडक्ट जिसकी इतनी अच्छी यूटिलिटी है, इतना ज़्यादा जिसको यूज़ कर रहे हैं, और उसका अगर हम एक ही दम से बैन लगा रहे हैं, तो उसके लिए एक पॉलिसी बैकअप की ज़रूरत है। द पॉलिसी रोड मैप, रोड मैप मीन्स होता है कोई स्ट्रक्चर तैयार करना, जो पॉलिसी का एक जो स्ट्रक्चर है, मस्ट फोकस ऑन, उसके लिए जरूरी है कि वो फोकस करे ऑन सेवरल की डिलीवरेबल्स, जो कुछ इम्पॉर्टेंट डिलीवरेबल्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, उन पे ध्यान दे, सच एज जो कि यूटिलिटी वैल्यू, किसी चीज़ की क्या यूटिलिटी है, उसकी वैल्यू, अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव, उसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, लाइफ साइकिल कॉस्ट, उसकी क्या लाइफ साइकिल कॉस्ट है, पूरी लाइफ में उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, या फिर रिसोर्स एफिशिएंसी, उसकी जो यूज़ हम कर रहे हैं, अगर बैन प्लास्टिक पे लगा रहे हैं और उसकी जगह कुछ दूसरा सोर्स यूज कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितने अच्छे से वो काम आ रहे हैं हमारे। व्हाट आर द एनवायरमेंटल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी एनवायरमेंट कॉस्ट क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉस्ट क्या है। एंड बेनिफिट ऑफ रिप्लेसिंग ऑल प्लास्टिक कटलरी विद दोज मेड ऑफ वुड, अब राइटर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इन सब के बारे में कि व्हाट आर द एनवायरमेंट, उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉस्ट क्या है, और बेनिफिट क्या होंगे अगर हम रिप्लेस कर देंगे इन सभी प्लास्टिक कटलरीज को। कटलरीज मीन्स होता है जो नॉर्मली बर्तन वगैरह हम यूज़ करते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं कटलरी, तो अगर हम इन प्लास्टिक कटलरीज को रिप्लेस कर देंगे जो कि वुड से बने हुए हैं, तो इनकी कॉस्ट क्या आएगी। How will elimination of plastic carry bag affect the income of roadside vendor and small traders? कि किस तरह से अगर जो एलिमिनेशन करेंगे हम प्लास्टिक बैग्स का, वो अफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा इनकम पे ऑफ रोड साइड वेंडर, जो रोड साइड वेंडर होते हैं, जो रोड्स पे सामान बेच रहे होते हैं उनकी इनकम पे, या फिर जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनकी इनकम पे ये जो एलिमिनेशन है वो क्या इम्पोर्टेंट इफेक्ट लाएगा। वट आर द लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव, और जो अवेलेबल हमारे अल्टरनेटिव हैं उनकी लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है, ये सभी क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर। फेजिंग आउट सिंगल यूज प्लास्टिक, फेजिंग आउट मीन्स वही डिसकंटिन्यू करना, अगर हम प्लास्टिक को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो ये सब कॉल फॉर इनोवेशन ऑफ मटीरियल, ये सब जो थिंग्स हैं वो डिमांड कर रही हैं कि मटीरियल्स में इनोवेशन हो, कुछ नया लेके आए। एक होता है इनोवेशन, एक होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी मीन्स होता है किसी चीज़ को पहली बारी कुछ खोज के निकालना, और इनोवेशन मीन्स होता है किसी पुरानी चीज़ को में कुछ चेंजेस लाके उसको और ज़्यादा बेटर बना देना। तो फेजिंग आउट सिंगल यूज प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक को डिसकंटिन्यू करना है, वो कॉल फॉर करता है, डिमांड करता है इनोवेशन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल में इनोवेशन हो, बिजनेस के मॉडल्स नए नए आए, एंड पॉलिसीज, और पॉलिसीज में चेंज हो। अब पॉलिसीज़ के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा राइटर कि पॉलिसीज़ ऑफ द थॉटफुल, जो पॉलिसीज़ हैं वो थॉटफुल होनी चाहिए, उनके पीछे एक थिंकिंग होनी चाहिए, रेदर देन नीजक एंड काइंड। रेदर देन नीजक, नीजक यहाँ पे यूज़ किया राइटर ने, ये एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कुछ करना।
तो बिना सोचे समझे कुछ करने के बजाय या फिर ऐसे थिंग्स लाने के बजाय हम कुछ ऐसा सोच के इम्प्लीमेंट करें या कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएं जो कि हम एक इफेक्टिव काम करें। इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वंडर, इंडिया कैपेबल है वंडर्स करने में। वंडर्स मीन्स चमत्कार, एकदम से बहुत अच्छा कर देना। इन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मीन्स किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। तो इंडिया ऐसे काम करने में कैपेबल है विद द राइट ब्लेंड ऑफ पॉलिसी। राइट ब्लेंड मीन्स होता है मिक्स करना किसी चीज़ को, या फिर थिंग्स का एग्जिस्ट होना टुगेदर, टू एग्जिस्ट टुगेदर या फिर मिक्स होना। तो इंडिया कर सकता है, कैपेबल है इन वंडर लाने में, रिसाइकलिंग में, विद द राइट ब्लेंड ऑफ पॉलिसी। अगर हम एक अच्छी मिक्स पॉलिसीज लेके आ रहे हैं एंड ऑर्गेनाइज एक्शन, और जो हमारा एक्शन है, जो हम वर्क कर रहे हैं, वो पहले से ऑर्गेनाइज है। सो यूज्ड अक्टूबर 2 एज द डे ऑन विच कैंपेन बिगेंस फॉर कॉटन। तो राइटर कह रहा है तो यूज़ करो अक्टूबर 2 को एक ऐसे दिन की तरह विच, जो कि एक कैंपेन बिगेंस फॉर कॉटन, जिसके जो कि एक कैंपेन बिगेन हुआ है जो कॉटन का, इस तरह से यूज़ करो कि हम वॉलंटरली शन सिंगल यूज प्लास्टिक एज मच एज द इंडिविजुअल कैन। कि हम वॉलंटरली शन कर दें, शन मीन्स होता है किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, वॉलंटरली मीन्स होता है अपनी इच्छा से। तो हम अपनी इच्छा से बंद कर दें सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ एज मच एज जितना कि हम कर सकते हैं, दे इंडिविजुअली कैन। दे मीन्स यहाँ पे राइटर ने लगाया है कि वही पीपल्स के लिए लगाया है कि जितना पीपल्स कर सकते हैं। लेट द नीति आयोग कम अप विद एन एक्शन प्लान। अब राइटर कह रहा है कि नीति आयोग को आने दो विद एन एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान के साथ। होल्ड कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मीन्स वही मीटिंग करे, कंसल्ट करे और अथॉरिटीज़ के साथ, इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी, और वो अपनी कंसल्टेशंस में इन्वॉल्व करे सिविल सोसाइटी को, एंड क्रिएट पॉपुलर बाय इन। बाय इन मीन्स होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना। तो अगर कोई बैन लगा रहे हैं, गवर्नमेंट अगर बैन लगा रही है, तो उसके लिए एक बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छी जो अप्रूवमेंट आनी चाहिए पीपल्स की तरफ से। द बैन कैन केम आफ्टर दैट, और जो बैन है वो इन सब चीज़ों के बाद आए। तो ये था आज का एडिटोरियल। अब वोकैब्स को देखेंगे जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट वोकैब्स आई हैं। सबसे पहली वोकैब जो है वो है प्लेज। प्लेज मीन्स होता है सीरियस प्रॉमिस और एग्रीमेंट, या फिर कोई गारंटी दे रहे हैं हम, या फिर सिक्योरिटी। रिड मीन्स होता है फ्री करना, रिलीव करना, अनबर्डन करना। सब्सिक्वेंटली मीन्स होता है हैपनिंग और कमिंग आफ्टर समथिंग आफ्टर पोस्टीरियर। पोस्टीरियर भी इसका एक सिनोनियम है, आफ्टर या पोस्टीरियर। रिजोल्यूशन मीन्स होता है एन आंसर और सोल्यूशन टू समथिंग, किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन देना। एजिस मीन्स होता है द पावर टू प्रोटेक्ट और कंट्रोल और सपोर्ट, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने की या कंट्रोल करने की जो पावर है। कमिट मीन्स होता है किसी चीज़ को परफॉर्म करना, ब्रिंग ऑफ समथिंग कुछ लेके आना, या फिर कैरी ऑफ करना। फेज आउट मीन्स होता है डिसकॉन्टिन्यू करना। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है टू नो एंड रिमेंबर बिकॉज ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है उससे हम रिमेंबर कर रहे हैं, या फिर रिकॉग्नाइज मीन्स होता है एक ऑनर भी देना होता है। मार्जिनली मीन्स होता है वेरी स्लाइट और स्मॉल, या फिर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पोज ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ को पे बैन लगा देना, सॉरी टू पुट इन अ पर्टिकुलर पोस्ट और अ प्लेस, कि हम अगर किसी चीज़ को यूज़ करके या फिर वैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ। स्पैन मीन्स होता है डिस्टेंस भी बोलते हैं अगर एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, और अगर एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है टू कवर या फिर टू क्रॉस ओवर। गैमिट मीन्स होता है अ रेंज ऑफ सीरीज ऑफ रिलेटेड थिंग्स, रेंज या फिर तो रेंज या फिर सीरीज ऑफ रिलेटेड थिंग्स। अल्टरनेटिव मीन्स होता है चॉइस या फिर ऑप्शन, और अल्टरनेट मीन्स होता है अदर देन यूजुअल। शन मीन्स होता है टू अवॉइड, ब्लेंड मीन्स होता है टू एग्जिस्ट टुगेदर। ये था आज का एडिटोरियल, उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।